यार मैंने आप लोगों से कहा ना कि मेरी PMS स्टार्ट हो गई है। कल रात को पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है और अभी मुझे हो रही है भूख की प्रॉब्लम। जो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको मेरे ब्लॉग और मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस ये देखो कंबल वगैरह लेकर बैठी हूँ क्योंकि मैं अभी उठी हुई थी जल्दी, आज 7:30 को मैं उठ गई हूँ और कल रात को मैं 3 बजे तक नहीं सोई फिर भी इतनी जल्दी उठ गई हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, वो सारा कुछ आपके ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो आज की ब्लॉग कुछ खास होगा तो ब्लॉग में बने रहो। मैं जाती हूँ ईद को ब्रश करके आती हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो मैं मुंह हाथ धोकर आ गई हूँ और एकदम से गर्म पानी था, गर्म पानी से एकदम नहा कर आ गई मैं। और आज का पूरा दिन का मेरा जो झंझट रहता है नहाने का वो खत्म हो गई है। और बाहर देखा कि आज भी काम चल रहा है, आज काम का दूसरा दिन है, तो कितना दूर हुआ है, क्या क्या हुआ है वो भी बताऊंगी। और मेरे साथ क्या हो रहा है इन दिनों, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगी। और कल रात को मुझे नींद क्यों नहीं आई वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहो। अभी पहले मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। ये देखो मैं कुछ काजू लेकर आई हूँ, काजू खाऊंगी और लाल चाय, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं लाल चाय पीती हूँ, तो फटाफट से पी लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो हमारा रॉकी बंद है सुबह से के बाहर काम चल रहा है ना, तो रॉकी को सुसु पोटी आया है तो मैं करा के लाती हूँ, चलो। तो गाइस देखो मैं रॉकी को इस तरह से पकड़ के भी नहीं रख पाती हूँ, इतना वजनदार है हमारा रॉकी, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है ना तो रॉकी चौकीदारी करने आया है। तो गाइस देखो आज मैं आप लोगों से जो प्रॉब्लम शेयर करने वाली हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है उसका मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया, अभी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, और उसका जो सलूशन है वो भी लिख लिया है, आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ इस प्रॉब्लम फेस करती होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, आप लोगों को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्योंकि अभी स्कूल चल रहा है, मतलब डांस का क्लास चल रहा है, वो खत्म होने के बाद वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। बाहर तो काम चल रहा है, मैंने सोचा कि अभी मौका है मैं आप लोगों के साथ मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है ये दुनिया की 99% लड़कियों के साथ होती ही है, सिर्फ 1% नसीब वाली लड़की है जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइस मैंने सोचा कि अगर मेरे जैसे हजारों लड़की की मदद हो जाए तो क्यों ना बात करें, है ना। और मैं कल रात को 3 बजे तक क्यों नहीं सो पाई वो भी इसी प्रॉब्लम की एक सिम्टम्स है। तो गाइस चलो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ डिटेल्स में कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है और मेरे साथ जो इस दुनिया के 99% लड़कियों के साथ भी वो होती है, तो चलो बताते हैं। तो गाइस जो प्रॉब्लम है वो बताने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, सॉरी क्योंकि आवाज थोड़ा खराब आ सकती है, बाकी की बाहर आप लोगों ने देखा कंस्ट्रक्शन के काम चल रही है, वॉल बन रहा है और बगल में बिल्डिंग बन रहा है, देखो अभी भी आवाज आ रहा है, तो ऐसी आवाजें आएंगे, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरी माइक खराब हो चुकी है और मैंने फिलहाल ऑर्डर करके रखा है, वो आने ही वाली होगी। उसके बाद आप लोगों को मेरे साउंड की, मेरी वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी वॉइस बहुत अच्छी क्वालिटी की आएगी। तो बस गाइस प्लीज आज की ब्लॉग में थोड़ा एडजस्ट कर लो, जब वो आएगी तो अच्छी क्वालिटी की वॉइस आप लोगों को मैं दूंगी जरूर, मैं वादा करती हूँ। तो गाइस प्लीज थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है। तो गाइस देखो मेरी जो प्रॉब्लम है और मेरे साथ साथ लाखों लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये होती ही है। 99% लड़कियों के साथ ये होती है, सिर्फ वो नसीब वाली 1% है जिसके साथ ये नहीं होता है। तो गाइस उसका नाम है PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। आपको समझ में नहीं आया ना, अभी बताती हूँ, रुको। हम लड़कियों को जो पीरियड्स आती है ना, पीरियड्स आने से पहले कुछ हमें पता चल जाता है कि पीरियड्स आने वाली है और कुछ कुछ अजीब अजीब मतलब सिम्टम्स दिखा देती है कि कभी ये होता है वो होता है, तो उसी को बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS। तो वही मेरे साथ होता है गाइस, इतने सालों तक नज़रअंदाज किया है, मैंने सोचा कि नॉर्मल है, लेकिन गाइस नॉर्मल तो है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इस प्रॉब्लम का कुछ सलूशन ढूंढ लाया है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, मुझे PMS की प्रॉब्लम है, तो उससे भी मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी करो ताकि ये PMS से हम सब छुटकारा पा सके। तो गाइस ऐसा तो ये नेचुरल है, ये होना ही है, फिर भी बहुत ज़्यादा होना भी खराब है। चलो बताते हैं कि क्या क्या होती है मेरे साथ। गाइस देखो मैंने कहा ना कि कल मैं 3 बजे तक सो नहीं पाई और सुबह 7 बजे ही उठ गई क्योंकि मेरी कुछ दिन बाद पीरियड्स की डेट आ रही है, पीरियड शुरू हो जाएगी, इसलिए मुझे कल से
PMS होना स्टार्ट हो गया है। तो मेरा फर्स्ट PMS वही है कि मुझे नींद नहीं आती है, एक हफ्ते पहले हो या 5-6 दिन पहले से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। रात को पूरी रात में जगी रहती हो, सुबह जल्दी भी उठ जाती हो और पूरा दिन मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मैंने सोया नहीं, टायर्डनेस ऐसा भी नहीं लगता है। एक हफ्ते पहले तक मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन मुझे पीरियड्स आ जाएगी उस दिन इतनी गहरी नींद आएगी ना, वो प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो गाइस मेरा फर्स्ट PMS था ये कि मुझे नींद नहीं आती है। दूसरा जो PMS है मेरी वो होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, कभी कभी पेट में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है मुझे। और तीसरा जो है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, मैं पूरी काली पड़ जाती हूँ। ऐसे तो मैं काली हूँ, आप लोग अभी बोलना मत कि ऐसे तो कौन सा गोरी है, चाहे मेरा रंग काला ही क्यों ना हो, लेकिन मेरी नेचुरल जो ग्लो होती है ना वो बिल्कुल गायब हो चुकी होती है पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले। और हाँ गाइस, और एक मेरी भूख को लेकर होती है, कभी कभी किसी से महीने में मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है और किसी महीने में मुझे भूख ही नहीं लगती है। और एक जो है मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला मूड स्विंग्स होती है मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, पता नहीं मुझे चिड़चिड़ करने लगती हूँ, मुझे कोई कुछ बोले तो मतलब ऐसा मन करता है ऐसे मार दो, अजीब तरीके से मुझे गुस्सा आता है। और यही प्रॉब्लम है जो लड़कियों के साथ मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है ना, वो बाकी घर वाले समझ नहीं पाते हैं और उसे बोल देते हैं चिड़चिड़ी झगड़े लोग ये सब बोल देते हैं, लेकिन PMS के कारण ही होते हैं, मुझे हद से ज़्यादा गुस्सा आती है। और एक भयंकर PMS के सिम्टम्स तो है ही पिंपल्स आना। वैसे ये मेरी मच्छर ने काटा है, इस महीने में मुझे पिंपल्स नहीं आया है। इस महीने में मैंने अब तक मतलब कल से मेरा PMS स्टार्ट हुआ है, तो कल से मेरा PMS का सिम्टम्स मैंने अब तक दो ही देखा है कि मुझे नींद नहीं आई, मुझे भूख बहुत लग रही है और एक देख रही हूँ आज अभी मैं देख रही हूँ मेरी कमर में दर्द हो रही है। गाइस ये सब प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, लेकिन हम लोगों को कोई अच्छे से समझ नहीं पाता है, बोलता है लड़कियां झगड़ा करती है, ये करती है, कभी रोती है कभी हंसती है, लेकिन नहीं, ये सब होती है PMS के कारण। तो गाइस देखो ये जो प्रॉब्लम्स है, अभी कोई कोई सोचेगा कि बीमारी है, लेकिन नहीं, ये बीमारी बिल्कुल नहीं है, ये बस हार्मोन्स की उतार चढ़ाव के कारण हमारे साथ होती है। और गाइस तो आप लोग डरिए मत, ये जो प्रॉब्लम है वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल है। तो गाइस फिर भी हमें और भी अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, मैं इन जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा कम करने के लिए कुछ योगासना निकाल कर लाई हूँ ढूंढ कर, जो मैं खुद भी करने वाली हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोग भी करना, क्योंकि इस दुनिया में सबके साथ ये होती है। तो गाइस जो लड़कियाँ ये वीडियो देख रही है ना मेरी आज के ब्लॉग में, जो जितनी भी लड़कियाँ हैं ना उनको ये बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, और जो लड़का देख रहा है ना वो अपनी बहन माँ भाभी अपनी गर्लफ्रेंड सबके साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो सके। तो गाइस चलो अभी आप लोगों को मैं योगासना बताती हूँ जो मैं भी करने वाली हूँ आज से, और आप लोग भी करना ताकि PMS खत्म हो जाए, खत्म ना से थोड़ा कम हो जाए। तो अभी मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, योगा के कपड़ों में आ जाती हूँ, है ना, और वैसे ठंड है तो कुछ फुल स्लीव ही पहनेंगे, तो मैं फटाफट से ड्रेस चेंज करके आती हूँ। हे गाइस देखो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, अब मैं कैसे लग रही हूँ बताओ बताओ बताओ। बहुत मनोज लग रहा हूँ, मत करो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा, ऐसे लगूंगी जैसी लगती हूँ वैसे लगूंगी, थोड़ी ना मैं किसी ने सिंगल कंप्लीट करना चाह रही हूँ। तो गाइस चलो अभी आप लोगों को मैं योगासना बताती हूँ जो कि मैंने यहाँ पर नोट बना लिया है, मैं जो भी काम करती हूँ प्रूफ के साथ करती हूँ और सही जानकारी देती हूँ आप लोगों को, इसलिए देखो मैंने यहाँ पर नोट बना लिया है कि कौन कौन सी योगासना हमारे PMS को रिलीफ देती है। तो चलो करते हैं, मैंने मैट बिछा लिया है और अभी मैं आप लोगों को योगासन बताऊंगी। थोड़ा ही यहाँ पर आवाज़ थोड़ा इको आ सकती है क्योंकि बहुत बड़ा रूम है, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज नहीं है, तो इसलिए इको आ रही होगी, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी चलो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कितनी योगासन करना पड़ेगा, हमें टोटल 7 आसन करना पड़ेगा, तो हम लोग शुरू करते हैं चलो। तो गाइस हमारी पहला योगासन है मकरासन, चलो करके दिखाते हैं।
गाइस ये जो आसन है ये हमारी स्टमक को बहुत ज़्यादा स्टमक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसको रिलीव कर देती है और हमारी तो पीरियड्स की जो पीएमएस की प्रॉब्लम है उसे भी इसे रिलीफ मिलती है। तो आप लोग मकरासना ज़रूर घर में ट्राई करें। तो अभी बारी है दूसरी योगासना की, चलो चलो करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो है वो है मत्स्यासना, चलो करते हैं। अब बारी है थर्ड योगासन है अर्धा मत्स्यार्धासना, तो चलो करते हैं। चौथे नंबर की योगासना की वो है विपरीत नौकासना, चलो करते हैं। पांचवा हमारा योगासना वो है नौकासना, तो चलो करते हैं। अब जो लास्ट योगासना है ये हमारी पीरियड्स के लिए रामबाण आसन है। ये हमारी पीसीओडी पीसीओएस जितना भी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड्स टाइम में ना आना, पीएमएस वगैरह वगैरह सारा जो है ना ये सारी खत्म कर देती है। तो चलो करते हैं हमारा सातवां यानी आखिरी पीएमएस रिलीफ योगासना जो कि है बाधा कोणासना, चलो करते हैं। योगासना कर ली है और आप लोगों को भी दिखा दिया है। तो अगर आप लोगों के साथ पीएमएस की तरह मेरी तरह सिंड्रोम दिखा देती है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये आसना हर रोज क्या करो खत्म हो जाएगी पीएमएस, तो मैं भी आज से कंटिन्यू करूंगी। तो गाइस देखो मैंने कपड़ा बदल लिया है, तो चलो अभी देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। तो गाइस देखो ये दो दिन तो हमने जो मिस्त्री है ना उनको मार्केट से पराठा लाकर खिलाया था, तो आज दीदी घर में ही है, संडे है, तो इसलिए दीदी की हाथों से आज रोटी बनाया जा रहा है। इतनी सारी रोटी बनेगा और आज घर का खाना मिलेगा उन लोगों को। काम यहाँ तक आगे बढ़ गया है, रेलिंग बन गया है, कल परसों तक शायद वॉल भी बन जाएगा आधा। गाइस देखो लोग दोपहर को खाना खाते हैं और मैं पी रही हूँ चाय जो कि टेस्टी लग रही है। तो गाइस देखो अभी हो गई है शाम और जो मिस्त्री लोग हैं वो लोग चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद चले जाएंगे क्योंकि आज का काम खत्म, फिर कल दोबारा से आएंगे। और अभी जा रही हूँ मैं टेलर के पास क्योंकि आ रही है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, तो उसके लिए कुछ स्पेशल तो बनती है ना, तो चलो चलते हैं टेलर के पास।
यार मैंने आप लोगों से कहा ना कि मेरी PMS स्टार्ट हो गई है कल रात को, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है और अभी मुझे हो रही है भूख की प्रॉब्लम, जो मुझे बेहद ज़्यादा भूख लग रही है। मैं दोपहर से कुछ ना कुछ खा ही जा रही हूँ और मेरी स्किन में जो वाटर होती है ना वो कम होता जा रहा है, मतलब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, मेरी लिप्स सूखी सूखी हो रही है। हाय गाइस, तो मेरा डिनर वगैरह हो गया है और अब बज रहा है 10:30 और अभी मैं जाऊंगी सोने, क्योंकि कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तो आज मैं जल्दी सोने की कोशिश करूंगी ताकि मेरी नींद क्लियर हो जाए, नींद अच्छे से आ जाए, क्योंकि नींद कंप्लीट ना हो तो हमारा पूरा दिन बेकार जाता है। तो गाइस, आज का ब्लॉग आई नो बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग घर में ये सारी योगासना जरूर करना, मैं भी करूँगी। आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये सारी योगासना मैं करूँगी ताकि मेरे जो PMS की प्रॉब्लम है, मेरे गुस्सा जो है, मेरी एंग्जाइटी जो है, डिप्रेशन जो है, मेरी जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है पीरियड्स आने से पहले, वो सारे के सारे कम हो जाएगी। तो आप लोग भी घर में ट्राई करना, सारी लड़कियाँ और जो लड़का मेरा ये वीडियो देख रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बहन, अपनी माँ और अपनी भाभियों के साथ शेयर ज़रूर करो। और हाँ, अपनी फ्रेंड को भी शेयर कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।